ग्वालियर में नगर निगम सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। इको ग्रीन के 485 कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के दूसरे दिन लक्कड़खाना डिपो पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने यहां नगर निगम के वाहनों को रोक दिया, जिससे लश्कर इलाके की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम में मर्ज किए जाने समेत अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारियों ने हड़ताल की। शुक्रवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने अंगुली दिखाओ प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए चीन की इको ग्रीन कंपनी को ठेका दिया था। कंपनी ने 485 कर्मचारियों से काम लेना शुरू किया था, लेकिन इसी बीच देश में चाइना के बढ़ते बहिष्कार और कंपनी के काम में लापरवाही को देखते हुए नगर निगम ने कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया, जिसके बाद कंपनी सभी सामान छोड़कर भाग गई है। ऐसे में निगम ने ही सभी 485 सफाई कर्मचारियों से काम लेना शुरू कर दिया। लंबे वक्त से यह सभी कर्मचारी नगर निगम में मर्ज किए जाने समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। हड़ताल ये 3 माह से लोगों ने पेमेंट नहीं दिया, 3 साल का पीएफ रुका हुआ है हमारा, ये पीएफ भी नहीं दे रहे हैं। और जब पीएफ और पेमेंट की बात करो तो ये जवाब नहीं देते हम लोग। अभी हम लोगों ने काम बंद हड़ताल की है, गाड़ियाँ बाहर नहीं निकलने दी है, और सभी हमारे ड्राइवर विनिमित परमानेंट इको ग्रीन और आउटसोर्स सभी लोग भाई साथ हमारे साथ में ये इको ग्रीन से हमारे यहाँ जो आउटसोर्स में कर्मचारी आए हुए थे उनका नियमितीकरण को लेकर काफ़ी समय से इशू था, और इनको हमने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से परिषद के संकल्प के आधार पर दिया हुआ है। तो इनका यही कहना है कि हमें आउटसोर्स में ना जाके नियमित कर दिया जाए, तो इसके आधार पर इनकी कल से हड़ताल चल रही थी। आज यहाँ पर इन्होंने हमारे निगम के नियमित जो कार्य हैं उनको रोकने का प्रयास किया, तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आपकी हड़ताल और सारी बिंदु अलग है, उन पर अलग से चर्चा होकर निर्णय होगा।